हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है भटूरे। भटूरे भी सॉफ्ट और क्रंची है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले भटूरे के लिए मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हो, और 1 कप बारीक सूजी है। अब इसके बीच में जगह बना लेंगे कुएं की तरह, और इसमें 1 बड़ा चम्मच पाउडर शुगर, नमक, 2 बड़े चम्मच दही के लेंगे, 1 बड़ा चम्मच घी का। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1/2 चम्मच खाने का सोडा भी ऐड करेंगे। सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट डो लगा लेंगे। दो घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। 2 से 2.5 घंटे के बाद देखिए सॉफ्ट हो गया है। अभी आटे को अच्छी तरह से मसल कर इसे सॉफ्ट और चिकना कर लेते हैं। थोड़ा सा घी या तेल अप्लाई करके इसे अच्छी तरह गून लेंगे। देखिए इस तरह से ये स्टिक नहीं हो रहा है, मतलब कि अच्छी तरह गून चुका है। अभी हम बेल लेते हैं छोटे छोटे पेड़े बना के। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा थिक ही रखना है तो भटूरे फूलने में आसानी होगी। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही भटूरे इसमें हल्के से छोड़ें और हल्के से प्रेस करते हुए चारों तरफ से सेक लें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह फूल चुका है। इस तरह से हम सब भटूरे फ्राई कर लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बस इतना याद रखना है, इसका आटा 2 से 3 घंटे तक भिगो कर रखना है और उसे अच्छी तरह मसलना है, जब तक पूरी तरह से सॉफ्ट और लचीला नहीं हो जाता, तो आपके भटूरे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे।